सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको भारत की एक ऐसी मिसाइल के बारे में बताएंगे जिसको बनाने वालों ने दावा किया था कि ये मिसाइल 100% किल प्रोबेबिलिटी के साथ आएगी। जी हाँ, एक ऐसी मिसाइल जिसकी किलिंग प्रोबेबिलिटी 100% होगी, 98 नहीं, 99 नहीं, 99.9 नहीं, बल्कि 100%। यानी कि अगर ये मिसाइल किसी टारगेट पर फायर कर दी जाए तो 100% चांस है कि वो उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो चलिए जानते हैं कि वो मिसाइल कौन सी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि इस एपिसोड में आप जो भी इमेजेस, जो भी फुटेज देखेंगे वो केवल और केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। जिस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मैत्री, जो कि भारत और फ्रांस का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था और इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। और इस प्रोजेक्ट के तहत योजना ये थी कि भारत के लिए एक ऐसे नेक्स्ट जनरेशन की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई जाए जो इतनी घातक हो कि वो 100% किल प्रोबेबिलिटी के साथ आए। यानी कि अगर ये मिसाइल किसी टारगेट पर फायर कर दी जाए तो फिर उस टारगेट का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। और इसलिए इस तरह की घातक मिसाइल बनाने के लिए DRDO और फ्रांस की MBDA ने एक MOU साइन किया और फिर इस मैत्री मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। और जिसमें योजना ये थी कि MBDA की माइका मिसाइल और DRDO की त्रिशूल मिसाइल की फीचर्स को मिलाकर एक 100% किल प्रोबेबिलिटी वाली मिसाइल बनाई जाएगी। और DRDO की त्रिशूल मिसाइल वही है जिसके बारे में हमने आपको अपने डिफेंस ज्ञान सीरीज के लास्ट एपिसोड में बताया था। बाकी अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो ये मिसाइल माइका मिसाइल और त्रिशूल को मिलाकर बनाई जानी थी, तो इसी वजह से इसका जो नाम है वो मैत्री भी पड़ा है, जिसमें शुरू के 3 लेटर दर्शाते हैं माइका मिसाइल को, आखिरी के 3 लेटर दर्शाते हैं त्रिशूल मिसाइल को। हालांकि जो त्रिशूल मिसाइल का प्रोजेक्ट था वो इस मैत्री मिसाइल वाले प्रोजेक्ट से पहले कैंसिल हो चुका था, लेकिन DRDO ने अपने इस त्रिशूल प्रोजेक्ट में जो भी काम किया था तो उसी की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके इस मैत्री मिसाइल को बनाया जाना था, लेकिन इस बार MBDA साथ थी और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार थी। और इस मैत्री मिसाइल की जो रेंज होने वाली थी वो 25 से 30 किलोमीटर तक होती, लेकिन फिर 15 जुलाई 2009 को एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो ये मैत्री मिसाइल वाला प्रोजेक्ट है इसे कैंसिल कर दिया गया है। और इसको कैंसिल करने का जो रीजन सामने आया था वो ये था कि DRDO का जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम है वो इस मैत्री मिसाइल वाले रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर सकता है, तो इसलिए इस मैत्री मिसाइल को बनाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन फिर इसके अगले ही साल 4 जून 2010 को एक और रिपोर्ट निकल के सामने आई जिसमें यह कहा गया कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर एक नई रेंज की शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए तैयार है। और फिर 14 फरवरी 2013 में ये निकल के सामने आया कि भारत और फ्रांस ने इस मिसाइल को विकसित करने के लिए जो नेगोशिएशन की प्रोसेस है उसे पूरा कर लिया है और करीब $6 बिलियन की कीमत पर अब ये मिसाइल प्रोजेक्ट शुरू होगा। और फिर 30 मार्च 2015 को एक और रिपोर्ट निकल के सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो ये मैत्री मिसाइल वाला प्रोजेक्ट है ये खास करके इंडियन नेवी की रिक्वेस्ट पर ही रिवाइव किया गया है, क्योंकि इंडियन नेवी को महसूस हुआ कि जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो उनके वॉरशिप के लिए सुटेबल नहीं है। और नेवी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही DRDO ने MBDA के साथ मिलकर इस शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को विकसित करने की योजना बनाई और उम्मीद की जा रही थी कि ये मिसाइल प्रोजेक्ट 3 सालों के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 2015 के बाद फिर इसके रिगार्डिंग कोई और रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आई। और जब से DRDO ने अपने खुद का QRSAM और VLSRSAM जैसे मिसाइल प्रोजेक्ट को शुरू किया है तो उसके बाद से एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि जो मैत्री मिसाइल वाला प्रोजेक्ट है जो कि फ्रांस के साथ मिलकर शुरू होना था अब वो कैंसिल हो चुका है और उसकी जगह ले ली है DRDO के अपने खुद के QRSAM और VLSRSAM सिस्टम ने, जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों के इस्तेमाल के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि 2018 में रिपोर्ट निकल के सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि फ्रांस इस मैत्री मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए जोर दे रहा है और फ्रांस को उम्मीद है कि भारत ये प्रोजेक्ट उनके साथ मिलकर शुरू करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भारत बिना फ्रांस के सपोर्ट के अपनी खुद की एक एडवांस मिसाइल बना सकता है तो फिर किसी और के साथ जबरदस्ती का कोलैबोरेशन करने की क्या जरूरत है। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो मैत्री मिसाइल प्रोजेक्ट है वो फ्रांस के साथ अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अगर ये मिसाइल डेवलप की जाती और जैसा कि इसके बनाने वालों ने दावा किया था कि ये मिसाइल 100% किल प्रोबेबिलिटी के साथ आएगी तो निश्चित रूप से आज के समय की सबसे घातक मिसाइलों में गिनी जाती, क्योंकि भारत का जो आकाश मिसाइल सिस्टम है भले ही उसकी भी किल प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है लेकिन 100% वो भी नहीं है। जबकि आकाश की पहली मिसाइल देती है 88% की किल प्रोबेबिलिटी और जबकि दूसरी मिसाइल देती है 99% की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं
तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।